नमस्ते, मैं हूँ श्वेता और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी श्वेताज दुनिया में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 3 बहुत ही आसान DIY। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला DIY। तो पहला DIY बहुत ही आसान है, जो कि मैं वेस्ट मटेरियल से बनाऊंगी। इसके लिए हमें चाहिए एक कपड़े का टुकड़ा, वो एक कलर का अगर सिल्क कपड़ा मिल जाए, जैसे कि ब्लाउज पीस हो गया, वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर ना हो तो भी चलेगा, कोई भी पुराना जो सिल्क का दुपट्टा है या कुछ भी है वो आप ले सकते हैं। और हमें चाहिए पुराना एक फ़ोटो फ्रेम और एक शादी का कार्ड, जिसमें सुंदर सा कोई मोटिफ हो, वो वाला कार्ड चाहिए हमें। देखिए, मैंने फ़ोटो फ्रेम के अंदर जो कार्डबोर्ड था उसमें ये कपड़ा ग्लू गन की मदद से चिपका रही हूँ। आप जो कपड़ा लगाने के लिए जो ग्लू आते हैं वो भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं ग्लू गन से ही लगा रही हूँ। तो अभी इसके ऊपर हमें जो शादी का कार्ड है वो मैंने चिपका दिया है, और देखिए पीछे से मैंने सेलो टेप लगा दिया है। है ना, बहुत ही आसान सा आइडिया। हम ऐसे पुराना जो भी फ्रेम है हमारे घर में उसको नया लुक दे सकते हैं। 3-4 कलर का भी आप बना सकते हैं और एक सेट बना सकते हैं इसमें। और देखिए, जो ब्लैक कलर का फ्रेम का कलर था उसको भी मैंने चेंज कर दिया है, उसके ऊपर मैंने गोल्डन एक्रेलिक कलर कर दिया है। और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में, है ना। मैंने ये कैनवास पेंटिंग बहुत पहले बनाया था, अभी इसको मुझे रीयूज़ करना है, मतलब ये कैनवास को। तो इसके लिए मैंने लिया है वॉल पुट्टी और उसमें मिलाया है फेविकॉल, पानी और थोड़ा सा वाइट एक्रेलिक कलर। इसका कोई भी रेशियो नहीं है, अपने अंदाजे से आप ये पेस्ट बनाइए। और देखिए, इतना पतला रखिए कि आपको समझ में आ जाएगी, जब आप बनाएंगे खुद ही समझ में आ जाएगी। आप ऐसे ही बना लीजिए और उसके बाद आप कैनवास के ऊपर एक कोट पहले लगा दीजिए, और उसके बाद दूसरा कोट, मतलब सूख जाने के बाद दूसरा कोट भी लगा दीजिए। सॉरी, आज शायद आप लोगों को बहुत ही आवाज़ मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। शायद सुनने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, मुझसे जितना हो सकता है मैं अच्छे से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, मैंने दूसरा कोट भी लगा दिया है। अभी मेरे पास था आइसक्रीम स्टिक्स, मैं उसको चिपका कर ऐसा घर बना रही हूँ। देखिए, एक के ऊपर एक लगा के मैंने घर बना लिया है। अभी ये कैनवास सूख चुकी थी जो मैंने वाइट कलर लगाया था इसमें, अभी उसके ऊपर मैं थोड़ा कलर कर रही हूँ। पहले मैंने अल्ट्रामेरिन ब्लू किया है और उसके बाद मैं स्काई ब्लू कर रही हूँ, एक शेड देने की कोशिश कर रही हूँ, और बीच पे मैंने फिर से वाइट कर दिया है। देखिए, आप अपने हिसाब से कलर कीजिए, आपको जो भी कलर पसंद है आप वैसा ही कलर कीजिए इसमें। अभी देखिए, जो आइसक्रीम स्टिक से मैंने घर बनाया था उसमें मैं ब्राउन एक्रेलिक कलर कर रही हूँ। आप अपना मनचाहा कोई भी कलर इसमें कर सकते हैं।
कैनवास बोर्ड के ऊपर मैं बना रही हूँ, थोड़ा लिप्स बना रही हूँ। बहुत ही आसान है ये। फ्री हैंड लिप्स बना रही हूँ। पहले डार्क ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे गोल्डन येलो यूज़ कर रही हूँ। मेरे दिल में जो भी आ रहा था मैं कैनवास के ऊपर वही करते जा रही हूँ। एक्चुअली इसमें ही असली मज़ा है। कोई भी परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको जो भी बनाना है आप बनाते जाइए। आफ्टर ऑल आपकी खुशी ही ज़रूरी है। देखिए अभी मैं ये जो घर बनाया था वो कैनवास के इस नीचे के साइड में चिपका रही हूँ फेविकॉल की मदद से। आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से भी चिपका सकते हैं। और नीचे मतलब ये अंदर मैंने एक बॉटल लगा दिया है, जो एक्रेलिक कलर का खाली बॉटल मैंने गर्म पानी से साफ कर लिया था और उसको मैंने चिपका दिया है। और ऊपर लिख रही हूँ एक कोट, होम स्वीट होम। और देखिए ये बॉटल के अंदर मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। ये बहुत ही आसान आइडिया है ना? तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट डीआईवाई पर। इसके लिए भी मैंने एक कैनवास बोर्ड लिया है। पुराना कैनवास बोर्ड था जिसके ऊपर भी मैंने कुछ पेंटिंग बनाया था। उसके ऊपर भी मैंने पहले वो पेस्ट लगा दिया है जो मैंने पहले बनाया था, और उसके ऊपर मैंने कलर कर दिया है और कुछ ड्रॉ किया है इसके ऊपर पेंसिल से। आप लोगों को शायद कैमरे में नहीं दिखाई दे रही है, तो आप चाहे आपकी मर्जी से कुछ भी फ्लावर वगैरह ड्रॉ कर लीजिए इसके ऊपर। और देखिए मैंने ग्लू गन की मदद से एक 3D लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मैंने ड्रॉ किया है उस लाइन के ऊपर मैं ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा रही हूँ। इससे एक 3D लुक आ जाएगी पेंटिंग में। बहुत ही आसान तरीका है। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया पहली बार ये ट्राई करके। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। अभी देखिए जो भी पेंटिंग मैंने बनाया था, मतलब ड्राइंग मैंने बनाया था, उसके अंदर अंदर मैं डार्क ग्रीन कलर कर रही हूँ। देखिए एक शेडिंग देने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अगर दूसरी बार बनाऊंगी तो इससे बहुत अच्छा बनाऊंगी, मुझे पता है। पहली बार ट्राई कर रही थी तो थोड़ा मुझे भी समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मज़ा बहुत ही आया। कुछ नया सीखने का जो एक मज़ा आता है ना, जिसमें वही मज़ा मुझे आज मिला है। अभी देखिए जो मैंने ग्लू गन की मदद से जो डिज़ाइन 3D लुक दिया था उसके ऊपर मैं थोड़ा गोल्डन कलर लगा रही हूँ। हाथ से ही लगा रही हूँ क्योंकि हाथों के ऊपर ही मुझे ज़्यादा भरोसा है ब्रश से ज़्यादा। तीनों जो DIYs मैंने आज बनाया है बहुत ही आसान है। आप लोग सब बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पक्का मालूम है आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और घर को अपने हाथों से बनी चीज़ों से सजाइए। आप लोगों को कौन सा DIY सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी मदद मिले अगर वो कुछ बनाना चाहे तो। नए फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, नीचे का रेड बटन दबा देने से ही आप लोग सब्सक्राइब हो जाओगे, और बेल बटन बजाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊंगी कुछ और मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं आ जाऊंगी। तो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मज़े से रहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।